देखो अपने भाई के साथ मुझे ठिकाने लगाने का प्रोग्राम सेट करके कितने चैन से सो रही है खसमन खानी। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो ये खसमन खानी मेरे पल्ले बांध दी। अरे मैंने तो सिर्फ एक आंख मारी थी, वो भी सही थोड़ा ही मारी थी, इसकी सहेली को मारी थी और ये कमबख्त चिपकली मेरे साथ। इस मुरारी के बच्चे ने मेरे जीजी को बहुत परेशान करा है। अगर मैंने भी इसके टुकड़े टुकड़े ना करे तो मेरा नाम भी छटंकी नहीं है। भगवान भगवान, क्या किया तूने यार? जेज उस रईस औरत के पति का कत्ल करने वाले है यार, सुन्नू, ये क्या किया तूने भगवान यार? मतलब मेरा इतना प्यारा सा दिल कातिल के दिल से बढ़ा दिया। कितना मासूम समझा था मैंने जीजा जी को, कितना मासूम समझा था, कातिल निकले कातिल। नहीं लू, नहीं प्लीज शांत हो जा, लू प्लीज शांत। कैसे शांत हो जाओ? नहीं कैसे शांत हो जाओ मैं? अरे यार मेरे दिल के टुकड़े कर करके ना मेरे हाथों से फिसल गए जीजा जी। तो कह रही शांत, मैं शांत नहीं हो सकती हूँ। तो फिर अब तू क्या करेगी इलू? क्या करूंगी सुनो, मैं क्या करूंगी? नहीं यार सुनो, ये संगीन जुर्म, ये खून का संगीन जुर्म मैं जीजा जी को नहीं करने दे सकती हूँ। कैसे ना कैसे करके उन्हें रोकना होगा। सुनो कल सुबह ना हम पिंकी अंकल के पास जाएंगे, उन्हें सब कुछ बता देंगे, सारे कच्चे चिट्टे खोल देंगे जीजा जी के। बस बाबा ठीक है, चल जाएंगे कल हम, ठीक है? I'm proud of you, तू बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हम जाएंगे कल। आज ना छोड़ूंगा मुरारी के बच्चे तुझे, अभी बताता हूँ तुझे। देखो तो नवाब साहब की आंखें खोल के सो रहे हैं। इन्हें हमेशा यही फिक्र लगी रही कि उनकी दौलत कोई लूट के ना ले जाए। आंखें देखो कैसे बकडंडे की तरह लग रही हैं। आंखें निकालेंगे फिर। कब तक चलेगा मुरारी? कब तक खौफ के साए में जिंदा रहेगा तू? मुझे कुछ करना चाहिए। इससे पहले कि मुझ पर अटैक करे मैं इसकी बैंड बजा देता हूं। कौन मारी है पिंकी जी को? पिंकी जी आप? हाँ क्यों, हाँ मतलब पिंकी जी आपको क्या लगा कोई चोर आ गया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। नहीं चोर नहीं, मुझे लगा कोई खूनी घुस रहा है। खूनी मतलब आपको पिंकी जी खूनी लग रही है? नहीं आप खूनी नहीं लग रहे हैं। वो क्या है कि एक खूनी मेरे घर में घुस गया है जो मेरा खून करना चाहता है। क्या
घुनी घुस गया। आप तो फिर यहाँ क्या कर रही हो सेठ जी? पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ यार। अरे आप भूल गए कि आप भी पुलिस वाले हैं? अरे हाँ, नहीं नहीं, याद है पिंकी जी को, पुलिस वाले हैं। ठीक है, कहाँ है खूनी? अरे वो कोई और नहीं, वो ही अपना, वो कौन है, वो चटंकी। वो चटंकी सेम सेम केस हो रही है सेठ जी। 2-3 दिन पहले थाने में सेम केस आया है सेठ जी, जिसमें ना साले ने जीजे का सर फोड़ दिया। अच्छा? हाँ, वो जीजा जो है ना, वो अब कोमा में पड़ा हुआ है। पिंकी जी, इससे पहले मैं कोमा में चला जाऊं, आप मेरे बॉडीगार्ड बन जाइए। नहीं, वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन पिंकी जी को बॉडीगार्ड रखना आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। कीमत बोलो। अब अपना 10,000 रुपए। 1,000 रुपए? क्या कहा? 1,000? आपने पिंकी जी को क्या भिखारी समझ के रखा हुआ यार? मैं भिखारी को 1,000 नहीं देता। 1,000 बहुत कम हो रहा है। एक काम करो, फाइनल करते 5,000 में। 5,000 बहुत ज्यादा है, 2,500। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन आपके जैसा कंजूस आदमी मैंने देखा नहीं एक भी। अब देखोगे भी नहीं। हाँ, क्योंकि आपका साला तो आपको मार देगा। पिंकी अंकल। हाँ? गजब हो गया यार। क्या गजब हो गया बच्चियों, क्या गजब हो गया? 2,000 के नोट बंद हो गए या फिर पेट्रोल जो है 500 रुपए लीटर बिक रहा है? ओफो पिंकी अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? देखो यार पिंकी अंकल, जो हमारी छत पे रहते हैं ना, जो बहुत हैंडसम से गुड लुकिंग हीरो टाइप्स, जो बहुत इनोसेंट भी है, जिनके बाल बहुत 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 कोमल है। हाँ तो सीधे सीधे बोलो ना, पिंटू जी जो कि निहायत ही खूबसूरत औरत है, जिनकी झील सी आंखें, जिनका चेहरा है या चांद खिला। हाँ हाँ, मतलब उनका पति पंचम, उसकी बात कर रहे हो? सीधा सीधे बोलो ना, पंचम की इतनी तारीफ करने की क्या रिक्वायरमेंट हो रखी थी भाई? तो जीजा जी है ना, उनका चक्कर चल रहा है एक रईस औरत से। क्या पंचम का चक्कर रईस औरत के साथ हो रहा है? कौन सी औरत हो रखी है वो? पिंकी जी को उस रईस औरत का एड्रेस दो, पिंकी जी खुद जाएंगे उस रईस लड़की के घर, जाके उसे हमेशा हमेशा के लिए अरेस्ट कर लेंगे। कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई इतनी हिम्मत कि उसने एक मासूम से लड़के को फंसा लिया? पिंकी जी बैठे हैं, मतलब एड्रेस दो। रहने दीजिए आप, मैं सब समझती हूँ। उस औरत को अरेस्ट करने के बहाने ना आप अपनी जुगाड़ फिट कर रहे हैं यहाँ पर। अरे बहुत बड़ा जुगाड़ू भाई। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि पूरी दुनिया जुगाड़ू है। बिल्कुल सही कह रही है मंगीलाल तू। खैर देखो बच्चियों, तुम लोग ना बातों को इतना घुमाओ मत, सीधा सीधा बताओ बात क्या है। जीजा जी, हाँ, उस रईस औरत के पति का मर्डर करने वाले हैं, खून करने वाले हैं। तुम्हारे घर में चल क्या रही है यार? ये कोई किसी का खून कर रही है, कोई किसी का खून कर रही है, कोई किसी का। क्या कहा आपने? क्या चल हमारे घर में? कौन किसका खून कर रही है, कोई किसी का खून कर रही है, मतलब कौन किसका खून कर रही है? मतलब क्या क्या बोल क्या रहे हैं आप? क्या क्या कौन क्या किसका? अरे कौन, तू बोल रहा ना? पिंकी जी तो ऐसा कुछ नहीं बोले, तो गलत सुन रहे होगा। पिंकी जी ने मतलब ये हो रहा है कि पिंकी जी बोल रहे है कि आज पिंकी जी शाम, आज पिंकी जी तुम्हारे घर आ रहे, आएंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे, कोई किसी का खून नहीं करेगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पक्का? पक्का। खाना भी आज पिंकी जी तुम्हारे घर ही खाने वाले हैं। हाँ, बाय पिंकी अंकल। ओके। यार लो, तुझे क्या लगता है कि पिंकी अंकल कुछ करने वरने वाले हैं? सच्चे कहो ना तो मुझे लगता है कि पिंकी अंकल से नहीं हो पाएगा यार, मुझे इतना भरोसा नहीं है उनपे, लगता है अपना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनो, जीजा जी को कैसे ना कैसे करके समझाना पड़ेगा, लाइन पे लाना पड़ेगा यार। क्या हो रहा है यार? चले। आ रहे सेठ जी? हाँ अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा सुन छोटे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुझे प्यार करूं, तुझे गले से लगा लूं,
तेरे गालों में पप्पी ले लूं, क्या करूं, कितना प्यार करूं तुझे। सेठ जी ऐसी बातें ना किया करो, बेकार की बातें, लोग गलत मतलब समझते हैं फिर। अबे बेकार मतलब समझा तो समझे, मेरा क्या जा रहा है। देख तूने मेरी जान बचाई है। हाँ। अगर तू पिंकी को ना बताता तो हाँ। अब तक तो मेरा कांड हो गया था। सेठ जी ये तो मेरा फर्ज है ना, मतलब तुमसे प्यार मैं भी तो करता हूँ। अरे फर्ज ना है बेटा, ये फर्ज ना है, ये तूने मेरे ऊपर कर्ज चढ़ाया है, कर्ज। तूने मेरी जिंदगी बचाई है। अब मेरी समझ में ये ना आ रहा है कि मैं तेरा कर्ज कैसे चुकाऊं। मैं कभी ना चुका पाऊंगा तेरा कर्ज, ये बता रहा हूँ मैं। सेठ जी हाँ, कर्ज चुकाना चाहते हो? हाँ। 10-20 लाख रुपए मुझे दे दो, कर्ज उतर जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम टेंशन में ना रहो। और इलायची कैसी है? अरे राम राम सेठ जी। अरे क्या हाल चाल है? अरे मौसा कुछ ना पूछो, सेठ जी के इस समय हाल चाल की मतलब बैंड बजी हुई है। मौसा तो अपने है ना। तू सब कह दे, तू सब चुप। तो बैंड बजी की तो और भी मतलब। चुप रहे बस। अरे सेठ जी 4-5 लाख रुपया खर्चा कर दो। अरे भंडारा करवा दो, एक हवन करवा दो, 400-500 गरीबों को भोजन करवा दो, तब जाके तुम्हारी गृहदशा टल जाएगी। अरे ऐसा भाई साहब, ये खाना खिलाने से कोई ग्रह नक्षत्र में टलते हैं, मैं ना कर रहा ये सब कुछ भी। अरे सेठ जी जान है तो जहान है। हाँ आप महान हैं, ऐसा है मेरा बिल्कुल मन ना कर रहा आपके साथ बदतमीज से बात करूं, इसलिए चुपचाप बैठो। राम राम पंडित जी। देख देख मुझे मारने के लिए कुताल लेके आया ये। हाँ हाँ। अरे छटंगी भैया, ये कुदाल के पत्थर तोड़ने के लिए लाए हो ना? किसी का सर तोड़ने के लिए लाए? अबे क्या कह रहा है तू, हैं? अबे किसका सर तोड़ेगा? ये जीजा भी यहीं बैठा है, अगर चूहे का नाम ले दिया तो रायता फैला देगा ये। अरे छटंगी भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कुदाल जो लेके आए हो किसका सर फोड़ रहे हो, क्या है मतलब? है एक दुश्मन हमारा। तो कौन दुश्मन है पूछ? अरे तो छटंगी भैया तुम इतने अच्छे आदमी, मतलब तुम्हारा कौन दुश्मन होगा? अब मैं इसको आधार कार्ड तो साथ में लेके घूमना रहा हूँ, जो पूरी डिटेल्स दूं तुमको। सीढ़ी तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? घर पे। वो भी नहीं लेके घूम रहा है, मतलब तुम्हारा, मुझे भी गड़बड़ लग रहा है मामला। क्या कह रहा है तू? तुम निपट जाओगे। अरे चुप रह तू यार। सुना पंडित जी, एक बात कहना चाह रहे हैं तुमसे हम। हाँ बोलो बोलो। हमारे हाथों से होने वाला है खून। अबे क्या कह रहा है तू? सही कह रहा हूँ, और हम करना चाह रहे हैं उसका प्रायश्चित। तो तुम्हारे पास कोई विधि विधि हो ना तो तैयार रखियो। अच्छा हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा। अरे टेंशन मत लो, अच्छा चल रहा है भैया। किधर है? जी जी चांदनी भाभी का नंबर। चुप रहे। अरे पिंकी जी कहाँ हैं आप? अरे यार क्या कर रही है? साड़ी धो रही है अपनी बीवी की। अच्छा क्या धो रही है? साड़ी। इस नंबर पे डायल मत करिए, नहीं मिलते यहाँ पे छोले भटूरे। छोले भटूरे खाने हैं लोगों को यहाँ पे। अरे लड़की किस मोड़ पे ले आई? आराम से अंकल जी। इलायची जी, ये बुजुर्ग जो हैं ये कौन है और आप इन्हें यहाँ क्यों लाई है? जीजा जी, मैंने आपसे मिलाने के लिए लेकर आई हूँ। क्यों इलायची जी? क्योंकि इनकी लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पर इलायची जी, हमें इनकी लाइफ स्टोरी से क्या लेना देना ना? अरे बरखुरदार, बहुत लेना देना है, लेना देना है बहुत। अरे बेटा जब हम जवान थे ना, तब हम भी तुम्हारी तरह भटक गए थे बेटा। हमारी तरह भटक गए थे मतलब? सन 1934 बेटा, 20 साल में हमने कदम ही रखा था। अच्छा। और लड़कियां दीवानी हो गई थी हम पर। आलम ये था बेटा कि लड़कियां तश्तरी में अपना दिल रख के घूमती थी हमें देने के लिए, पर हमारा मासूम दिल तो एक शादीशुदा अमीर औरत पर आ गया था बेटा।
इश्क में गिरफ्तार थे हम तो, वो जब चाहे हमको बुला लेती थी। एक बार घर में कोई नहीं था बेटा, हमें बुला लिया, हम चले गए, हमने दरवाजे पे बेल दबाई। अच्छा बेटा, कोई रिस्पांस नहीं आया। ओ, हमने दूसरी बार बेल बजाई, अंदर से आवाज आई, आ जाओ रमेश। ओ, मैं नहा रही हूं। बेटा, हम शाइला के दीदार के लिए बेताब थे, हमारे अंदर की प्यास उफान। चुप कर लले, अंकल मरवाएगा क्या? अंकल मत बोल यार। बाबा जी, पूरा उपन्यास सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, प्लीज। मतलब कि जो बातें बताइए फिर जाइए। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, देखो लौंडा भी एंजॉय कर रहा है। क्यों बेटा? देखिए अंकल जी, हम कोई एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपको जो बताना है हमें बता दीजिए। हाँ बता दो ना, मेन बात बता दो ना। बेटा मेन बात ये है कि एक दिन उस औरत ने हमसे कहा कि तुम मेरे पति का खून कर दो। तो तो बेटा हम तो जवानी जोश में भरे हुए थे, जवानी के जोश में हमने उस औरत के पति का खून कर डाला बेटा। अच्छा? हाँ, लेकिन अफसोस बेटा कि हम पकड़े गए। पूरे 50 साल बाद जेल से छूट के आए हैं। अरे अरे बेटा, पूरी जवानी जेल के पीछे बीत गई। अरे अरे, दुनिया कैसी होती है, कैसी होती है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं बेटा। इसलिए बेटा हम सब नौजवानों को यही मशवरा दे रहे हैं बेटा, हमारी जैसे गलती ना करे कभी बेटा। हाँ। नहीं नहीं अंकल जी, हम आपकी बात समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। आप ये बताइए कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के पति को मारा कैसे? मैडम, पिस्तौल से। ओ अंकल जी, ओ सॉरी, यही तो गलती कर दी आपने अंकल जी। आपको बंदूक का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था। हाँ? आपको अपनी गर्लफ्रेंड को कहना चाहिए था कि वो अपने पति के खाने में बेहोशी की दवा मिला दे। इससे क्या होता, वो बेहोश हो जाते, फिर उसको उठाकर किसी नदी या तालाब में फेंक देते। अरे दुनिया को लगता कि गिर के मर गया है। अंकल जी, अगर हम आपकी जगह होते ना तो बिल्कुल ऐसे ही करते, और यही करूंगा। हाँ यही करते। बेटा बेटा, ये तो लंबा जाने वाला है, मैं भी चलता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजादी एंजॉय करें अंकल जी। ओके अंकल जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे दीदी, ये चूहे पकड़ में नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कुछ चूहे का नाम ही बदल दूं। अरे छटंकी भैया, तुम चूहे का नामकरण ही करते रहोगे या उसे पकड़ोगे भी? अरे दीदी, तू बात को समझ नहीं रही है, ये मुरारी नाम जो है चूहे को काफी लकी साबित नाम मालूम पड़ रहा है मुझे, पकड़ में नहीं आ रहा मेरे, में बहुत ढूंढ रहा हूँ, कभी इधर से उधर निकल गया, कभी इधर से इधर, परेशान हाफ गया मैं तो भैया। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, नाम बदल दो। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नाम रखोगे इसका? नाम मैं इसका नाम पिंकी रख दे रहा हूँ, कैसा रहेगा? छटंगे भाई, देखो अगर तुम्हें लगता है कि उसका नाम पिंकी रखने से वो चूहा पकड़ा जाएगा तो फिर रख लो। अरे जीजी कैसी बातें कर रही हो, मैंने पिंकी नाम के जितने भी आदमी देखे ना, उनकी बैंडी बजी रहती है। अब अपने ये दरोगा कोई देख लो पिंकी को,
हमेशा इसकी बैंड बजी रहती है, तुम बात क्यों ना समझ रही हो? ठीक है, तो फिर उसका नाम पिंकी हो गया। हो गया। अब बताओ कि उस पिंकी को मारोगे कब? अरे जीजी देखती जाओ, इस पिंकी के बच्चे को ना ये छटंकी खदेड़ खदेड़ के मारेगा। छटंकी नाम है मेरा, छटंकी। हाँ। अरे सिर्फ बक बक करने से वो पिंकी मारा नहीं जाएगा, बहुत चालाक है वो पिंकी, उसको तो ऐसे मारना पड़ेगा कि एक ही झटके में उसका काम तमाम हो जाए। अरे पिंकी जी, आपने भाभी जी का क्या बिगाड़ा जो भाभी जी आपको मारने पे तुली हुई है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ मंगीलाल, क्या विकासपुरी के दरोगा अमरपाल पे किसने हमला किया? क्या भाले से हमला कर दिया? हाँ ठीक है, पिंकी जी आ रहे हैं, फोन रख फोन रख फोन। पिंकी जी आपकी जान को भी खतरा हो रही है, चलो चलो जल्दी चले, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।